Hey you guys, welcome back to my channel Binge with Shreya. So आज के वीडियो में we are going to do a 24 hours challenge and that challenge is known as living on rupees 100 for 24 hours. So basically इस वीडियो में whatever I'll be eating all that under rupees 100. So in rupees 100 I'll be including my lunch, my breakfast, my dinner, snacks, everything. So jo bhi kuch I'll be eating during the entire day has to be under rupees 100. So yeah, let's start. It's going to be a fun challenge. Maine kabhi bhi aisa challenge nahi kiya hai. Especially under rupees 100 challenge is going to be fun. Also, aaj ka challenge hone wala hai bahut hi zyada budget friendly, economic. और इस चैलेंज में सिर्फ यही रूल नहीं है कि हमें सब कुछ अंडर 100 खाना है. रूल ये भी है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे 100 रुपीस पूरे होने चाहिए. सो दैट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग. सो देखते हैं कि हम 100 रुपीस एग्जैक्ट खत्म कर पाते हैं कि नहीं. सो या ऑल्सो बिफोर आई स्टार्ट द चैलेंज, अगर आपको नहीं पता, आई ऑल्सो हैव अ मेन चैनल विच लुक्स लाइक दिस. और इस चैनल पे आई अपलोड मोस्ट ऑफ माई वीडियोज. सो गो गिव इट अ वॉच इफ यू हैवंट येट चेक्ड इट आउट. ओके, सो लेट्स कम बैक टू टुडेज वीडियो. सो जैसा मैंने कहा, हमारा सब खाना होने वाला है अंडर रुपीज 100. सो सभी मील को आई एम गोइंग टू अलोकेट अ बजट, कि उस बजट के अंदर हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, स्पेसिफिक बजट के अंदर हम अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ करेंगे. सो वी विल अलोकेट अ बजट, तभी वी विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द मील्स इन रुपीज 100. सो अब जो है 11 इन द मॉर्निंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट. सो ब्रेकफास्ट के लिए बजट रखा है हमने रुपीज 20, बिकॉज ब्रेकफास्ट के लिए उतना काफ़ी है. बिकॉज वी हैव टू हैव लॉट ऑफ मील्स ड्यूरिंग द एंटायर डे जो रुपीज 100 के अंदर होने चाहिए. सो मेरा बजट है फॉर 20 रुपीज फॉर ब्रेकफास्ट. सो देखते हैं व्हाट वी गेट फॉर ब्रेकफास्ट. Hey guys, so I'm back and guess what? Under rupees 20 में कोई breakfast, what do you think की options क्या होंगे? मिल सकता है, like it's not impossible because breakfast under 20 is like a bit easier than anything else. So let me know what are your thoughts for breakfast under rupees 20? की क्या आ सकता है? Let me tell you, I already have my breakfast. So I have got 2 samosas and we have chutneys. So I have got 2 samosas and chutney for rupees 18. Yes, we have got it for rupees 18. So mera budget tha 20 ka, so 2 rupees already we are ahead of our budget. So now we are going to have the samosa and it's huge, like look at this. So this is so yum and I love samosa in general also, and having it in morning is like, I love it. So we are going to have our breakfast and so affordable under budget. So samosa, maine kha liya na, more than full. It was so fulfilling, like it was huge. So I am done for my breakfast. Hi guys, so breakfast मैंने कर लिया है and हमारे पास अब बचे 100 minus 18, 82 rupees. और 82 rupees में से अब हमें करना है लंच, बीच में स्नैक का मन हुआ तो स्नैक, डिनर के बाद भी डेजर्ट वेजर्ट कुछ खाने का मन किया था डेजर्ट. तो स्टिल वी आर लेफ्ट विथ 3 to 4 मील्स और हमें वो सब खाना है अंडर रुपीज 82. So let's see कैसे खत्म होता है. Now I'll see you guys during lunch time. Hi guys, I am back. So अभी बज रहे हैं 2 and मुझे लगी है भूख. So it's going to be our lunch time. Now lunch का budget हमने रखा है 50 rupees because उससे कम में snacks के अलावा और कुछ आने नहीं वाला है and I'm really hungry. So I have allocated 50 rupees for our lunch. So let's see what do we get under rupees 50. वैसे क्या आ सकता है? There are lot of options under 50 तो आराम से मिल जाएंगे. But I want to have lunch, like something very much fulfilling rather than snacks. So
लेट्स सी कि 50 रुपीज़ में हमें क्या मिलता है। हाय गाइस, सो मुझे मिल चुका है हमारा लंच अंडर रुपीज़ 100 भी नहीं, 82 ही बचे हैं अब। सो मुझे मिल चुका है 82 रुपीज़ के अंदर हमारा लंच, और एज आई सेड आई वॉन्टेड इट मोर फुलफिलिंग, तो वैसा ही कुछ मिला है जो आई गेस फुलफिलिंग होगा। लेट मी नो अगर आपके पास ऑप्शन होता अंडर 82, सो वट यू विल बी ईटिंग फॉर योर लंच। सो मेरे पास लंच के लिए है ये। नाउ इसके अंदर क्या है यू माइट हैव ऑलरेडी नोन, आई हैव गॉट अ बर्गर। सो दिस कॉस्टेड मी 35। सो लेट मी जस्ट शो यू, सो दिस इज अ ह्यूज बर्गर, सो आई गॉट दिस फॉर 35। और इतना ही नहीं, वी वॉन्ट समथिंग एल्स, थोड़ा लग्जूरियस तो बनाना ही था लंच हमारा। सो व्हाट आई हैव गॉट इज आई हैव गॉट एप्पी फिज, तो आई गॉट दिस फॉर 15 रुपीज। सो हमारा बजट था 50 रुपीज का, सो 35 का वी गॉट बर्गर एंड 15 का वी गॉट फिज। सो टोटल हमारे 50 के 50 पूरे खत्म हो गए लंच का बजट। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 82 माइनस 15, ओनली 32 रुपीज। और अभी तक सिर्फ 2 बजे हैं, सो वी हैव इंटायर हाफ ऑफ द डे रिमेनिंग, और उसमें हमें डिनर तो करना ही है, ऊपर से स्नैक्स रात को खाएंगे, सब कुछ मिला के वी हैव टू कम्प्लीट इट विथ इन रुपीज 32। सो बाद का बाद में, लेट्स जस्ट हैव अवर बर्गर फर्स्ट। सो आई एम गोइंग टू हैव द बर्गर, लुक्स ह्यूज, सो फुलफिलिंग होने वाला है। ओके, बर्गर तो है ही, साथ में वी ऑल्सो हैव फिज, इसे कहते हैं लग्जरी अंडर रुपीज 100, सॉरी 82 हो गया ना अब। साथ में वी आर गोइंग टू हैव फिज, इसे कहते हैं लग्जरी अंडर 82। आई एम हैविंग फिज आफ्टर सो लॉन्ग, लाइक इट्स बीन 1 ईयर, 1.5 ईयर आफ्टर दैट आई एम हैविंग दिस फिज। हाय गाइस, सो आई एम बैक। आज मैंने बहुत ही अच्छे से सोया है, आई स्लेप्ट एट अराउंड 4 और 5, और इट्स अराउंड 7:30 राइट नाउ। सो 8 o'clock को हम करने वाले हैं डिनर। सो उसके पहले हमें ये जानना होगा डिनर में हम खाने क्या वाले हैं, बिकॉज हमारे पास बचे हैं ओनली 32 रुपीज, और उसमें से हमें डिनर भी करना है। एंड वॉच द वीडियो टिल एंड, क्योंकि एंड में हम और कुछ भी खाने वाले हैं along with dinner. So 32 में we want 2 things. So पहले dinner का करते हैं, बात का बाद में, we'll see. So dinner मैं लेकर आई हूँ, so let me know क्या होगा dinner में under 32. So dinner में I have got our yummy tasty favorite Maggie. Of course मुझे ये 12 rupees की पड़ी है, so we still have 20 rupees, उसे हमें फिनिश करना है, बट उससे पहले विल फिनिश दिस मैगी, बिकॉज बात का बाद में। सो या आई एम गोइंग टू ईट दिस मैगी, तो आई ईट लॉट पहले, अभी से थोड़ा कम आई ईट। सो आई हैड टू हैव मैगी इन दिस चैलेंज, बिकॉज इट इज वन ऑफ माई फेवरेट, और इकोनॉमिक, तो इससे ज्यादा इकोनॉमिक कुछ है नहीं। बाय द वे दिस इज प्लेन मैगी, मैंने कुछ ऐड नहीं किया है क्योंकि हम कर नहीं सकते घर में से, हम मतलब इफ वी हैव बॉट मैगी फॉर 10, अगर हम घर में से कुछ डालते हैं तो वी हैव टू चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दैट। सो मुझे वैसे भी कुछ पसंद नहीं है मैगी के अंदर, सो वी हैव केप्ट इट प्लेन, और ये हम खाने वाले हैं। मैं खा के आती हूँ। ओके यू गाइस, मैगी खा ली हमने। यूजुअली डिनर मेरा लास्ट मील होता है, उसके बाद आई डोंट ईट एनीथिंग, क्योंकि डिनर ही उतना हैवी होता है। आज का थोड़ा एक्सेप्शन था, बट यूजुअली डिनर मेरा हैवी रहता ही है, सो उसके बाद आई डोंट ईट एनीथिंग। पर आज हमारे पास 20 रुपीज अभी भी बचे हुए हैं, एंड हमें उसे को ख़त्म करना है। सो देखते हैं थोड़ी देर बाद कि हम क्या खा सकते हैं। वैसे मैंने बोला था कि आज हम डेजर्ट खाने वाले हैं,
तो मुझे लगता है 20 रुपीज बच गए हैं, तो डेजर्ट खाना बनता है और स्टे ट्यून्ड. सो मेरे मेन चैनल पर मैंने बहुत सारे फूड चैलेंजेस किए हुए हैं ऑलरेडी, सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. एंड ऑल्सो सम ऑफ द फूड चैलेंजेस लुक्स लाइक दिस, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक दैट आउट. फूड चैलेंजेस आर माई फेवरेट, सो यहाँ पर भी आई थॉट ऑफ डूइंग सम फूड चैलेंज. ओके गाइज, फिर से आई एम बैक. आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव बीन बैक इन दिस वीडियो. ओके, सो अब बज रहे 9:30 और मुझे लगी है थोड़ी सी भूख, थोड़ी सी बिल्कुल, बट हमारे 20 रुपीज़ जो है वो अभी भी ख़त्म करने बाकी है, तो स्पेशली उसी के लिए. और जैसा मैंने बोला था कि अगर हम कुछ खाएंगे तो डेजर्ट ही खाएंगे, सो 20 रुपीज़ में हम बढ़िया सा डेजर्ट खाने वाला है. सो लेट्स सी व्हाट द डेजर्ट इज. ओके गाइस, सो यहाँ पे है हमारा मेन इंग्रेडिएंट. सो मैंने चॉकलेट बिस्किट लेने गई थी ओरियो, बट लेट हो गया तो मुझे ये मिले चॉकलेट बिस्किट्स में, पार्ले के फेबियोस. सो बहुत ही सिमिलर है ओरियो से, सो आई गॉट इट. इसका क्रीम जो है वो हमें रिमूव कर देना है बिस्किट्स का, आपको पसंद है तो भी रिमूव करना होगा क्योंकि करना पड़ेगा. सो वी आर रिमूविंग द क्रीम आउट ऑफ ऑल द बिस्किट्स. और उसके बाद हमने ग्राइंड कर लिया इसका, बहुत ही फाइन पाउडर बना दिया. उसके बाद वी आर एडिंग 1 स्पून ऑफ शुगर, क्योंकि उतना ही काफ़ी है, यू कैन ऐड मोर और लेस. उसके बाद 2 स्पून ऑफ मिल्क ऐड किया है और बहुत ही ज़्यादा ऐसा थिक पेस्ट बन जाएगा. उसके बाद ऊपर से ड्राई फ्रूट्स. सो ये बन गया है हमारा होममेड डेजर्ट चॉकलेट मूस, जो कि है अंडर ₹20. सो गाइस, ये रहा हमारा यामी डेजर्ट. सो ऑलरेडी आपने देखा ही, आई हैव टेकन 10 रुपीज का छोटा बिस्किट पैक. ओरियो लेना था पर मुझे अभी मिला नहीं, अभी ही चाहिए था इसीलिए. एंड उसके अंदर वी हैव एडेड 1 स्पून ऑफ शुगर, 2 स्पून ऑफ मिल्क एंड थोड़े से ड्राई फ्रूट्स. नाउ हमारे 20 रुपीज बचे थे, सो 10 में हमने बिस्किट ले लिया और बाकी के जो 1 स्पून शुगर, 2 स्पून मिल्क, ये सब मिला के 10 रुपीज में आ जाता है, बिकॉज 10 रुपीज में वी गेट एंटायर पैकेट ऑफ मिल्क छोटा वाला. सो मेक्स सेंस कि 10 रुपीज में हमें ये सब मिल जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव प्रिपेयर्ड दिस यमी डेजर्ट. इफ यू हैव नॉट ट्राइड दिस, ट्रस्ट मी, हाईली रिकमेंड है मेरी तरफ से, यू हैव टू ट्राई इट, इट्स सो टेस्टी, ट्राई इट वंस, यू लव इट. सो मैं ये खाने वाली हूँ बिकॉज आई लव दिस, आई ऑलवेज लव लव ईटिंग दिस. एंड इट्स सो यम कि आपको ऐसा लगे हम खाते ही जाए ऐसे. आई लव द टेस्ट ऑफ दिस, प्लस इस बार हमने थोड़े ड्राई फ्रूट ज़्यादा डाले. I am loving this one. Khatam. Okay, you guys, so dessert हमने कर लिया है खत्म. And इसके साथ हमारे पूरे 100 रुपीज हो चुके हैं खत्म. इसी के साथ हमारा लिविंग ऑन ₹100 फॉर 24 आवर्स हो जाता है खत्म. सो लेट मी नो हाव यू लाइक इट. ऑल्सो चेक आउट द फूड चैलेंजेस ऑन माई मेन चैनल एंड लेट मी नो वॉट आर द चैलेंजेस यू वॉन्ट मी टू डू. एंड आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो.